ये YouTube पर लाइव हो चुका है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग YouTube पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हमारी ऑलरेडी 1,000 की कैपेसिटी हो चुकी है, तो कुछ लोग प्लीज YouTube पर मूव कर जाएं, कि यहाँ इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है अभी फिलहाल। ये YouTube का लिंक है, कृपया कुछ लोग YouTube पर मूव कर जाएं ताकि बाकी कुछ को जगह मिल जाए यहाँ पर। जो हमारे गुरुमुख मित्र हैं वो प्लीज YouTube पर वो हो जाएं, मूव कर जाएं, YouTube पर मूव कर जाएं प्लीज। सभी से रिक्वेस्ट है कुछ लोग YouTube पर मूव कर जाएं। ये YouTube पर लाइव हो चुका है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग YouTube पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हमारी ऑलरेडी 1,000 की कैपेसिटी हो चुकी है, तो कुछ लोग प्लीज YouTube पर मूव कर जाएं, कि यहाँ इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है अभी फिलहाल। ये YouTube का लिंक है, कृपया कुछ लोग YouTube पर मूव कर जाएं ताकि बाकी कुछ को जगह मिल जाए यहाँ पर। जो हमारे गुरुमुख मित्र हैं वो प्लीज YouTube पर वो हो। आइए अब शुरू करते हैं। थोड़ी सी देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी तैयारी थी और सभी महाहस्तियों को बुलाना था, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा इस चीज के अंदर, क्षमा चाहूंगा। आइए एक बार शुरू करते हैं, बेसिक थ्योरी और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल। सभी के लिए एक बार फिर से बता दूं, गुरुमुखों के लिए ये साधना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ना ही रिकमेंडेड है। वो अपने सदगुरुदेव भगवान जी की साधना करें, सबसे उत्तम वही है। आप अटेंड कर सकते हैं, प्रोग्राम अटेंड करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साधना केवल अपने सदगुरु की कीजिए। अच्छे से याद रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो किसी के लिए भी जरूरी नहीं है। हाँ, पावर से मैं कनेक्ट करूंगा अभी, तो आशीर्वाद देने वाले वही हैं, उनके बिना ना कोई था, ना कोई है और ना कोई और हो सकता है। तो मेरे सदगुरुदेव भगवान ही सब आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन सबके जगत कल्याण हेतु हमें बाकी सबका भी सोचना पड़ता है। ये ही आदेश है गुरुदेव की तरफ से, तो जैसा बताया मैं कर रहा हूं। चलिए, जरूर करेंगे, बाकी सब करते हैं। अब सवाल इससे ज्यादा नहीं, जवाब नहीं दे जा सकते, एकदम लाइव क्वेश्चन आंसर मत करते जाएं, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये कनेक्ट करते रखूं और फिर जवाब, सवालों का जवाब भी दिया जा सके, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहले इसका मतलब क्या है, महत्व क्या है, कहाँ से आई है ये साधना, और एक बार उसके साथ साथ फिर हम अपने जो भी कनेक्शन है वो हम बनाएंगे यूनिवर्सल ऊर्जा के साथ, पवित्र, शुरू करते हैं। तो गायत्री मंत्र का महत्व क्या है? गायत्री माँ को हम इस रूप में जानते हैं, एक संपूर्ण देवी शक्ति का स्वरूप है माता। ऋषि मुनियों द्वारा गायत्री मंत्र का महत्व बताया गया है। मनु भगवान फरमाते हैं कि ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार तीन चरण वाले गायत्री मंत्र के रूप में निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई और मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र महामंत्र कहा जाता है, माना जाता है। तो मैं उन संतों की वाणियों से आपको कोट लेकर बता रहा हूं, जिन्होंने गायत्री का इस महामंत्र के बारे में जो भी उन्होंने फरमाया है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस तरीके से उन्होंने विस्तार बताया है। योगिराज याज्ञवल्क्य के ऋषि हुए हैं, जो फरमाते हैं, गायत्री और को और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया, एक ओर षट अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री को रखा गया, तो गायत्री भारी निकली। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार व्यर्थियों समेत गायत्री है। गायत्री वेदों को जानना है, गायत्री पापों का नाश करने वाली है। सिमिलरली अथर्ववेद में गायत्री 1971 जो पार्ट है उसका, उसमें गायत्री की स्तुति की गई है। उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली माँ कहा गया है। विश्वामित्र का कथन है कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई और मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान नहीं है। ये उनके अपने व्यूज हैं, सभी के बता रहा हूं, लेकिन सदगुरुदेव भगवान जिनको जो मंत्र दें उससे बढ़कर उनके लिए कोई और मंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर जीवित गुरु की शक्ति समाई होती है। ये भी आपको बता दूं, राइट? ये अब जो मंत्र आपको ये जो दिया है, क्योंकि ये यूनिवर्सल मंत्र है, सबके लिए है। इस मंत्र पर सबका एकाधिकार है, सबका समान अधिकार है, किसी का विशेष एकाधिकार नहीं है, ये सबके लिए है ये मंत्र। तो इस मंत्र के साथ हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अत्रि ऋषि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाले, उसके प्रभाव से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है।
संतों की वाणियां सुननी जरूरी हैं ताकि समझ आ सके कि कितनी महान चीज है। महर्षि व्यास कहते हैं, जिस प्रकार पुष्पों का सारा शहद दूध का सारा घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। और विस्तार से उन्होंने समझाया, मैं ज्यादा समय ना लगाते हुए, वशिष्ठ जी का मत है मंदमति, कुरमार्गी और अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त होते हैं, तो फिर सदगति होना निश्चित है। तो जिन लोगों को कोई और साधन नहीं है, उनके लिए महामंत्र है गायत्री मंत्र। तो गौतम ऋषि जी का मत है कि योग का मूल आधार गायत्री है, गायत्री से संपूर्ण योगों की साधना होती है। सिमिलरली आधुनिक मानवात्माएं भी गायत्री मंत्र का महत्व बताती हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, जिसका नाम है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक ऊहापोह में न पड़कर कोई बखेड़ा, कोई गुंजाइश, किसी तरह का मतभेद नहीं है। ये गायत्री महामंत्र है। हम नमन करते हैं इस महामंत्र की शक्ति, इस परम शक्तिशाली पावर को। अब हम गायत्री, श्री रामकृष्ण परमहंस जी का उपदेश है कि मैं लोगों से कहता हूं कि लंबे लंबे साधन करने की उतनी जरूरत नहीं है, छोटी सी गायत्री का जप करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। ये मंत्र छोटा है लेकिन इसकी शक्ति महा भारी है। और मजे की बात, पावरफुल बात यह है कि इस मंत्र के प्रयोग में कोई बहुत भारी भरकम जो है वो उसकी जरूरत भी नहीं है। कोई बहुत भारी भरकम जो है वो मतलब मेथड नहीं है कि ये मेथड ऐसे ये करोगे तो ऐसे होगा, नहीं तो ये मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, एक मिनट के लिए फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैंने लिंक डाला है, कृपया YouTube पर मूव कर जाएं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज YouTube पर मूव कर जाएं कुछ लोग। ये YouTube का लिंक है और इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ चैट को। कुछ लोग YouTube पर मूव कर जाएं, कृपया करें, कुछ लोग YouTube पर मूव कर जाएं प्लीज, थैंक यू वेरी मच। एक ही बात है, इस YouTube बिल्कुल भी मेमोरी वगैरह कुछ ज्यादा नहीं लेता, कंपेरेटिव टू जूम बहुत ज्यादा मेमोरी लेता है, तो थोड़े से लोग मूव कर जाएं प्लीज। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी थोड़े से लोग मूव कर जाएं प्लीज, यूट्यूब पर मूव कर जाएं, जूम पर इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल। ये बात जरा समझना, और बड़ी सुंदर है ये। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु अगर कुछ है तो वो सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सतमार्ग की प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। तो गायत्री जो है वो सद्बुद्धि का मंत्र है। जब हम कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात, तो वास्तव में हम परमात्मा को कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर ले चलिए। तो इसलिए इसे मंत्रों का मुकुटमणि भी कहा गया है। इसलिए बड़े प्यार से जपेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी का कथन है कि गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर, बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के किसी और काम से नहीं हो सकती। आत्मबल प्राप्त करने की विश्व दृष्टि शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होती है और उसका प्रेरक जो है वो गायत्री मंत्र है। याद करना, मैं फिर बता रहा हूं, आत्मा की आत्मबल प्राप्त करने की जो विश्व दृष्टि है वो शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होती है, उसका प्रेरक गायत्री मंत्र है। इसीलिए जब हमने जगत कल्याण हेतु हमें निर्देश मिला है एंजल से, तो उन्होंने यही कहा है कि सबके लिए ये मंत्र है, सब जपें। गुरुमुख जो है वो अपने गुरु का मंत्र जपें, बाकी सब ये मंत्र, क्योंकि इससे जगत कल्याण, अब जो कोरोना महामारी फैल रही है और फैली हुई है, इससे और ना बढ़ जाए और इससे और ज्यादा नुकसान ना हो, हम इसके लिए भी दुआ करते हैं। संसार का कल्याण हो सके, हम इसके लिए भी दुआ करते हैं। तो बड़े प्यार से एक बार बात को समझ लीजिए, फिर हम अपने अपने टॉपिक पर आते हैं। उसका इसके चैंटिंग लाभ क्या होंगे, जर्नल लाभ, संसार के ज्योतिष विद्या के अनुसार सूर्य देव को संतुष्ट करने वाला होता है गायत्री मंत्र। तो सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, तो इसका मतलब सूर्य मजबूत होने का मतलब आत्म मान सम्मान मिलता है, सरकारी काम में सफलता मिलती है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण, जो उनको सरकारी नौकरी चाहिए वो सूर्य गायत्री मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं, नॉर्मल गायत्री मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो ये उनके लिए ये एक महामंत्र उस कैटेगरी का, उस शक्ति का, उस पावर का है जहां पर सूर्य देवता के साथ सीधा हमारा कनेक्शन बैठता है। हमारे शरीर में जो हमारा मणिपुर चक्र होता है ये सूर्य देव के साथ कनेक्टेड है।
तो इसके ऊपर जब हम मेहनत करते हैं, जब आप ध्यान लगाएंगे, तो ध्यान लगाते विशेष रूप से अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देंगे, और यहां से हम सूर्यदेव की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, और यहां ध्यान लगाकर गायत्री मंत्र की चैंटिंग करेंगे। ध्यान रखना, कुछ विधियां मेरी अलग जरूर होंगी, बाकी सब कुछ वही है, विधि थोड़ी सी अलग जपने का तरीके में, क्योंकि इससे हम शरीर की शुद्धि करने वाले हैं, आत्मा की शुद्धि करने वाले हैं, तो इसलिए अपने अंदर अपने चक्रों पर ध्यान लगाते हुए गायत्री साधना हम करेंगे। तो ये हमने बेसिक को क्लियर किया। वास्तु शास्त्र के अनुसार जहां पर भी वास्तु दोष होता है, तो घर के जिस हिस्से में दोष होता है, वहां से नकारात्मक एनर्जी निकलती है जो हमारे दिमाग पर असर डालती है। तो अगर इस मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण किया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, क्योंकि दुनिया के आसपास नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, इसलिए बहुत महत्व है। इसी तरह से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शरीर की अनेक बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो इसके उच्चारण से ब्लड फ्लो ठीक होता है, अस्थमा रोगियों के लिए भी इसका जाप बेहद उपयोगी होता है। अब इसमें क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, देखिए एक बात को अच्छे से समझ लें। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे मुंह से, जैसे ओम भूर भुवः स्वः तत्, अब ये क्या हो रहा है, हमारी जीभ अपने मुंह के अंदर अलग अलग पार्ट को टच कर रही है, राइट? समझ में आ रही है ये वाली बात? ओम भूर भुवः स्वः तत् सुवितर वरेण्यम, जब हम कहते हैं ऐसे, तो अनेक पार्ट जो है वो टच होते हैं। इस तरीके से जो ध्वनि निकलती है उसके उच्चारण से जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं बॉडी में, वो सारे एक्टिवेट होते हैं। अनेक जो हमारे प्राण ऊर्जा को वाहन करने वाली जो कोशिकाएं हैं, जो प्राण ऊर्जा जहां से फ्लो करती है, उन प्राण ऊर्जा में एनर्जी का संचार होता है, राइट? तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर मंत्र के जाप से एक पर्टिकुलर टाइप की बीमारी का दूर होना बहुत स्वाभाविक है। हमारे शास्त्रों में तो बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए मैंने आपको सारी रेफरेंसेस बताई कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, सभी जानते जरूर है इस मंत्र को, लेकिन इसकी महाशक्ति से जरा अच्छे से परिचित हो जाए। तो इसलिए एक बार, क्योंकि बिना महत्व के अगर आप जपेंगे भी सही ना, अच्छा क्या है, गायत्री मंत्र, अच्छा गायत्री मंत्र जप रहा हूं, लोगों ने इसको इतना छोटा बना दिया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, इसलिए बोलना जरूरी है, इसलिए इतनी सारी बातें बतानी जरूरी है कि ऋषि विश्वामित्र जी इसके बारे में कहते हैं, महाराज मनु इसके बारे में क्या कहते हैं, अन्य स्मृतियां इसके बारे में क्या कहती हैं, शंकराचार्य जी इसके बारे में क्या कहते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। महत्व पता होगा तो उतना ही आप इसको जान सके। एक छोटे बच्चे के हाथ में 2,000 का नोट है, राइट? उसको नहीं पता इसका क्या मतलब है, बस वो लेके पकड़ के बैठा हुआ है, हाँ मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। जितने अगर महत्व के बिना कुछ बड़ी से बड़ी, आपके आपके पास अनमोल हीरा भी दे दिया जाए तो उसके आप समझ नहीं पाएंगे, तो उतने ही आप उसकी कदर कर पाएंगे, राइट? तो अभी यहां पर एक बार पुनः आपको मैं इसलिए महत्व समझा रहा हूं, चलिए बस ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट के अंदर हम इसको क्लियर करते हैं, समझ लें, दिमाग में बात को बिठा लें, फिर इसके नियम समझते हैं और फिर इसकी चैंटिंग शुरू करेंगे, ठीक? हम 5:33 तक हम इसकी 3:33 तक हम शुरुआत कर देंगे, क्योंकि हमें 6 बजे से पहले पहले इसकी माला कंप्लीट करनी है। चलिए, गायत्री मंत्र के अन्य लाभ हैं, ये वीडियो आपके लिए YouTube पर अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आराम से भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं ज्यादा एक एक बात को लंबा खींच नहीं रहा हूँ, जरा जल्दी से बात को समझा रहा हूँ, ये महत्व आप बाद में भी देख सकते हैं। ये बात आप समझ चुके हैं, बेसिक सभी को पता है, तभी आप यहाँ पर जुड़ रहे हैं। इसलिए चलिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से इसका बड़ा महत्व है। धियो यो नः प्रचोदयात्, जब हम कहते हैं मेरी बुद्धि को आप प्रकाश दीजिए, मेरी बुद्धि को सदमार्ग पर लेकर चलिए, परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, तो पढ़ाई में मन लगना आसान हो जाता है। ये बहुत ही मेमोरी को बढ़ाने वाला मंत्र है, मेमोरी को बढ़ाने वाला मंत्र है। इसके अलावा बच्चों के इस मतलब जो जिन 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 लोगों को भी चीजें याद नहीं रहती, उनको डेफिनेटली इससे बहुत फायदा होता है। इसके अलावा भी याददाश्त बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हमारे वीडियोस में दिए हुए हैं, संजीव मलिक स्टडी टिप्स के नाम से अगर आप वीडियो ढूंढे तो वह मिल जाएगा। और एक और वीडियो जो विशेष रूप से उपयोगी है बच्चों के लिए, वो है एग्जाम फोबिया, संजीव मलिक एग्जाम फोबिया ढूंढ लेना, तो इससे आपको ये मिल जाएगा। एग्जाम फोबिया दूर करने के लिए एक बहुत पावरफुल वो बताया गया तरीका। तो ये गायत्री मंत्र की एक माला भी बच्चा कर ले, एक माला भी मुश्किल से 8 मिनट लगते हैं अगर फास्ट किया जाए तो इतना किया जा सकता है। तो एक माला बच्चे के लिए, उसकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। तो जो लोग भी
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं, चीजें याद नहीं रहती, उनके लिए बेहद जरूरी, बेहद पावरफुल मंत्र है। इसी तरह से बिजनेस में परेशानी आती है, बेरोजगारी है, पैसे का इशू है, जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, अनेक तरह की समस्याएं जो आजकल जीवन में चलती रहती हैं, इनसे छुटकारा दिलाने के लिए जो बेसिक उपाय बताया, वैसे तो अनेक तरह के उपाय हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक उपाय जो इमीडिएट काम करता ही करता है, वो गायत्री मंत्र की चैंटिंग है। तो बड़ी बड़ी मुश्किलों से लड़ने में गायत्री मंत्र की शक्ति प्रभावी है। और ये मैं सिर्फ आपको किताब में लिखा हुआ है ये नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, यहां मेरी अपने इतने बड़े बड़े अनुभव शामिल हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को हमने ये दिया है गायत्री मंत्र, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसकी उसका जो निपटारा है वो होता हुआ हमने देखा है। इसलिए बेहद पावरफुल, बेहद जरूरी है। अब अर्थ क्या है इसके, मेन उस पर अर्थ पर उतरते हैं। तो गायत्री मंत्र का ओम जो है प्रणव यानी परमात्मा, कण कण में जो विद्यमान है वो ओम, भुर मनुष्य को प्राण देने वाला, जो प्राण ऊर्जा को संचारित करने वाली शक्ति है जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, ये किसी दूसरे 7 समुद्रों पार बैठे हुए या 7 आसमानों के ऊपर बैठे हुए परमात्मा की बात नहीं हो रही है, अपने हृदय के अंदर बैठे हुए जो प्राण शक्ति है। आत्मा को भी अगर मैं कहूं तो बात बिल्कुल सेम है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, इस बात को समझते हुए करिएगा। तो अपनी ही आत्मा के प्रति हम ये भाव करें, ओम जो जो मेरे भीतर विद्यमान है और कण कण में विद्यमान है। शुरुआत मुझसे होगी, याद रखना, पहले आपके भीतर और फिर कण कण में आपको दिखाई देंगे परमात्मा। भुर प्राण देने वाले, भुवः दुखों का नाश करने वाले, भुवः दुखों का नाश करने वाले, स्वः सुख प्रदान करने वाले। हमें क्या चाहिए, एक आम संसारी इंसान को सबसे पहले तो यही चीज चाहिए ना कि दुखों का नाश हो, सुख मिले, कम से कम इतना तो बेसिक है। इसके बाद हम आगे फर्दर बात करते हैं कि ठीक है अब अध्यात्म की ओर रुचि करते हैं, तो ये तो बेसिक चीजें हैं, राइट। चलिए एक बार पुनः यहां पर जूम पर संख्या बढ़ गई है, प्लीज थोड़े लोग मूव कर जाएं, फिर 1000 लोग हो गए हैं, थोड़े से लोग मूव कर जाएं, प्लीज मूव कर जाएं, लिंक दिया हुआ है नीचे, लिंक पे क्लिक करके मूव कर जाएं, थोड़े से लोग मूव कर जाएं, मूव कर जाएं, प्लीज मूव कर जाएं, यूट्यूब पर मूव कर जाएं, लिंक दिया हुआ है चैट विंडो में। हाँ जी, तो भुवा दुखों का नाश करने वाले, स्वः सुख प्रदान करने वाले, तत् वो, उसकी बात की जा रही है, सुख पर सवितर सूर्य की भांति उज्ज्वल, सूर्य की भांति उज्ज्वल सवित्र। एक बार दिमाग में बिठा लें, मंत्र बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, एक एक शब्द को जरा दिमाग में बिठा लें। वरेण्यम जो सबसे उत्तम है, वरेण्यम सबसे जो उत्तम है, फिर उसके बाद भर्गो कर्मों से छुटकारा दिलवाने वाला। इसलिए ये मंत्र, जो लंबे कर्म पड़े हुए हैं, भारी भरकम पाप हम करके बैठे हुए हैं, कर्म पता नहीं क्या क्या किया हुआ है कौन जाने, तो वो सारा जो उससे उद्धार दिलवाने वाले देवस्य प्रभु, उस परमात्मा की बात करते हैं। धीमहि आत्मचिंतन के योग्य, जो ध्यान के योग्य हैं हम उनका ध्यान करने जा रहे हैं। धीमहि, धियो धियो मतलब बुद्धि, यो जो हम, नह हमारी, प्रचोदयात हमें शक्ति दे। अब इस मंत्र को पूरा एक साथ चैंटिंग करेंगे। हे प्रभु, आप हमारे जीवन के दाता हैं, आप हमारे दुख दर्द का निवारण करने वाले हैं, आप हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं, हे संसार के विधाता हमें शक्ति दो। देखो कितनी प्यारी प्रार्थना है, एक प्रार्थना है, पूरा मंत्र एक प्रार्थना के फॉर्म में, इसलिए मुझे बहुत दिल से पसंद है। तो हमें शक्ति दो कि हम आपकी ऊर्जा से शक्ति प्राप्त कर सकें, कृपा करके हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाइए, कृपा करके हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाइए, बस एक प्रार्थना है ये। विवेकानंद जी की वाणी में भी सुना ना, उन्होंने क्या फरमाया कि राजा से वो चीज मांगनी चाहिए जिसके, जो मांगने के योग्य हो। तो यार राजा, हम यहां बात करें परमपिता की, तो परमपिता से हम मांग रहे हैं वास्तविक ज्ञान मांग रहे हैं, हमें सद्बुद्धि दिखाएं प्रभु, सद्बुद्धि दिखाएं। तो ये हमने एक और तरीके से इसका अर्थ बता रहा हूं, उस प्राण स्वरूपक दुख नाशक सुख स्वरूप तेज श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। कहां धारण करें? अपने अंतःकरण में। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सदमार्ग में प्रेरित करें, सदमार्ग पर प्रेरित करें। तो ये कॉमन है, ये बात सब जगह कॉमन है, तो ये बेसिक हो गया। अब हम आते हैं इसके नियम पर, इसके बाद हम शुरू करते हैं। नियम क्या है, कोई भी इसमें गलत फहमी ना रहे, सारी चीज एक बार क्लियर कर लेते हैं।
सूर्योदय से 2 घंटे से पहले लेकर ब्रह्म मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय मतलब 6 बजे होता है, आप 3 बजे से भी इसकी चैंटिंग शुरू कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 3 बजे से लेकर आप चैंटिंग इसकी स्टार्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकर सूर्यास्त से 1 घंटा पहले शुरू करके यानी सूर्यास्त के बाद ना करें, इसलिए हमने ये टाइम आज 3 बजे का रखा है। आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें ये टाइम 3 बजे का इसीलिए रखा है क्योंकि अदरवाइज हम 6 बजे रखते हैं टाइम अपने मेडिटेशन का, ये जो सत्संग करवाते हैं, लेकिन इस समय ये 3 बजे इसीलिए रखा गया क्योंकि 6 बजे से पहले पहले हम ये साधना कंप्लीट कर पाए, तो इसलिए हम शुरू करते हैं। तो सूर्यास्त 1 घंटा पहले तक आप कर सकते हैं, तो लेट नहीं करेंगे, 6 बजे के बाद नहीं कंटिन्यू करें, इस बात का याद रखेंगे। बाकी मानसिक जाप आपका चलता रह सकता है, लेकिन जिसको हम साधना में काउंट करेंगे ना, वो काउंटिंग जो है वो केवल सूर्यास्त से पहले पहले की काउंटिंग रहेगी। बाकी मन में चल रहा है तो हम उसको कोई मना नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका आप समझें कि उसको आपने इस तरीके से करना है कि आप सूर्यास्त से पहले पहले इसको फिनिश कर दें, अगर इसको चैंटिंग के रूप में करना है तो। ये फिर से लोग बढ़ गए हैं, आप अपने आप थोड़ा सा देख लिया करें प्लीज, यूट्यूब पर मूव कर जाएं, यूट्यूब का लिंक नीचे दिया हुआ है, जूम पर यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, कृपया कृपा करें, कृपा करें मूव कर जाएं कुछ लोग, कृपा करें कुछ लोग मूव कर जाएं यूट्यूब पर मूव कर जाएं, राइट मूव कर जाएं सभी, कुछ लोग कृपा करें जल्दी से। चलिए कोई भी व्यक्ति मानसिक जाप कभी भी कर सकता है, ये बात क्लियर समझ लें, लेकिन रात्रि में इस मंत्र का जाप नॉर्मली बैठकर वैसे तरीके से काउंट नहीं करना चाहिए, जाप मन में चल रहा है चलता रहे उसको हम मना नहीं कर सकते, लेकिन सुबह के समय नॉर्मल आप कैसे भी करके आसन में बैठकर अगर पूर्व दिशा की तरफ मूव करके बैठे तो फायदा रहता है, वरना कहीं भी मूव करके बैठिए। ये मैं जो मुझे देव सभी एंजल्स ने बोला है कि इसमें कोई बहुत नहीं बड़ी बात नहीं होती, जहां भी आप बैठे कंफर्टेबल समझे बैठे, लेकिन सीधे बैठे जाएं जिस भी आसन में बैठे, बिस्तर पर नॉर्मली बैठकर इसे जाप को नहीं किया जाता, किसी भी नॉर्मल जगह पर आप आसन लगाकर बैठ सकते हैं। अपने कंफर्ट के को देखिए, ये भी देखिए कि आज ठंड के दिन है तो कहीं आपको परेशानी ना हो, तो बिस्तर पर ना बैठकर सोफे वगैरह पर कुर्सी पर बैठकर आराम से आप कर सकते हैं, जहां सोए थे ना उस पर तुरंत बैठना वैसे भी रिकमेंडेड नहीं होता मेडिटेशन के लिए, तो ये समझ लिए। अगर सामने दिया जलाया जा सके ना, जलते हुए दिए के सामने करें तो काफी पॉजिटिविटी काफी महत्व होता है इस बात का, रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत उत्तम, अगर माला ना भी हो तो भी आप जाप कर सकते हैं, राइट ये बात अच्छे से समझ लें। 1 माला 3 माला 5 माला 7 माला 9 या 11 माला का जाप कर सकते हैं, एक बार मन में संकल्प लेने आप कितना करेंगे उस 40 दिन तक उतनी ही माला का जाप करें। जो लोग 11 माला करना चाहते हैं उनको प्रॉपर साधना, ये कि इसको हम साधना बोलते हैं, बाकी को हम मंत्र जाप कैटेगरी में रखते हैं, राइट। चलिए अब आप जितना भी आपके कैपेसिटी हो उतना आप मन में संकल्प ले लें, अभी शुरू करें, मन में एक संकल्प ले लें कि हाँ हम इतना करेंगे, अपने मन में इतना धारण कर लें कितना हम करेंगे, तो इस और ये संकल्प लें। अब जिसकी ये संकल्प भी लेना होगा अभी दिलवाएंगे, जिस इस जाप से आपकी इस समस्या का समाधान हो, विच समस्या जो भी आप अपने मन में लेकर चलें, 1, 2, 3 चीजें भी आप बड़ी बड़ी ले सकते हैं, क्योंकि 40 दिन की साधना हमने इसीलिए चुनी है कि बड़ी बड़ी समस्या जिसमें से एक महानतम समस्या ये कोविड है, ये तो एक है ही, इसके अलावा आप 3 अपनी चीजें भी रख सकते हैं, इस समस्या का अंत हो जाए, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो, ये तो मानना ही मानना है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो, मैं अपने जीवन लक्ष्य की ओर को पा सकूं, अगर आपको लक्ष्य पता ही नहीं है तो लक्ष्य को जान सकूं, ये भी उसमें डाल दो, अगर आपको गुरु की प्राप्ति करनी है तो भी डालो कि हमें मुझे गुरु मिल जाए, ये भी आप डाल सकते हैं, और कोई समस्या है तो बताइए कि ये समस्या का समाधान मुझे मिल जाए इस साधना के कंप्लीट होते होते, ये बेहद जरूरी है ये वाला पार्ट समझ लेना कि कितना कौन सी चीज आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं, ये बेहद जरूरी है। आप एक पर्टिकुलर चीज को लेकर जल से चल सकते हैं, कुछ जो समर्पित लोग हैं जो भक्ति भाव वाले हैं वो ये भी कह सकते हैं कि प्रभु जो आपको अच्छा हो दे दे, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन उससे उत्तम है कि आप अपनी बात को स्पेसिफाई कर दें, बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई कर दें, राइट मेरी बात समझ में आ चुकी होगी अभी, राइट। तो इस तरीके से अभी मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा, लेकिन पहले एक बार बात पूरी समझ लें, तो इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पे सारी बातों का समाधान दे दूं ताकि क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। कम से कम 1 माला आपको जगत कल्याण के लिए जरूर समर्पित करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं 3+1, 3 तो आपने अपने लिए करनी करनी है, 3+1 प्लस वन एक एक्स्ट्रा माला या 1+1 आप ऐसा कर सकते हैं, सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है, उसके बाद आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, मतलब सूर्यास्त से पहले पहले फिनिश हो जाए,
आप मान के चलिए 6 बजे से पहले पहले फिनिश हो जाए, तो बस सुबह लगा लीजिए 3 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं इस साधना को। इज इट क्लियर नाउ? इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, तो क्लियर टू ऑल? हर तरीके से क्लियर है? यूट्यूब वाले हमारे जो मित्र हैं सभी को क्लियर है? एक माला मतलब 108, 108 चैंटिंग। एक माला भी अब बतानी पड़ेगी तो चलो बता देते हैं। चलो, एक माला मतलब 108 बार। तो 108 माला का चैंटिंग आप कर से शुरुआत कर सकते हैं। तो एक माला यानी कि 108 चैंटिंग आपको जगत कल्याण के लिए जरूर समर्पित करनी है, कि प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, इसका जो भी पुण्य हो इस माला से जगत का कल्याण हो। आप जो जो इष्ट जो हमारे देव जो भी करना चाहते हैं इससे, मैं चाहता हूं कि ये कोविड से मुक्ति मिल पाए, ये भी प्रार्थना हम करेंगे। तो आपको मैंने बेसिक बता दिया, इस तरीके की हम प्रार्थना करेंगे, बाकी आप डेली बेस पे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्त्रियों को जो प्रॉब्लम होती है उन दिनों में भी आप जाप कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, किसी तरह की कोई मनाही इसमें इस टाइप से नहीं है, इसको ख्याल करें, क्योंकि माँ गायत्री खुद भी फेमिनिन पावर ही है। राइट, आप समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमने कभी, हमारे गुरुदेव ने तो इस बात को कभी किसी तरह का कोई वो कहा ही नहीं है, कि कोई ऑब्जेक्शन इस पर है ही नहीं इस बात पर। शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसको आप बिल्कुल महत्व ना दें, अपना काम करें। राइट, नेक्स्ट, और नियम में संभव हो तो रुद्राक्ष माला का उपयोग करें, नहीं तो बिना माला के आप उंगलियों पर भी काउंटिंग कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी काउंटिंग कर सकते हैं। कोई और माला भी हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत ज्यादा खींच कर नहीं रखना कि नहीं, रुद्राक्ष माला के बिना मैं नहीं करूंगा। डोंट डू दैट, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो माला भी पकड़ेंगे अभी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, वो माला आपके लिए उपयोगी हो जाएगी। रुद्राक्ष माला सर्व सर्वोपयोगी है, सबसे ज्यादा उत्तम है अगर हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जैसे मैंने कहा, तो हम इस नियमों के में इस चक्रों में ऐसा ना हो कि हम मेन बात को भूल जाएं, ध्यान कहाँ लग रहा है वो बेहद जरूरी है, उसकी बात हम इंपोर्टेंट करेंगे कि ध्यान कहाँ लगाना है इसका जाप करते हुए, वो मैं भी करवाऊंगा साथ में। हम समस्त चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए ध्यान करेंगे ये वाला, इसलिए जरा ध्यान करेंगे। राइट, नेक्स्ट, हर बार जाप से पहले जब सुबह शुरू करें तो एक बार समस्त देवी देवताओं को बुलाकर अपनी हार्दिक इच्छा को दोहराएंगे। अभी मैं बुला बुला कर आपको आपकी प्रार्थना जो है करता हूँ, साथ में हम करेंगे, लेकिन एक बार जरूर सुबह आप इसी प्रकार से किया करेंगे। तो इसको आप द्वारा वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। जाप के साथ साथ आप चक्र ध्यान भी कर सकते हैं, ये हम करवाने वाले हैं। ये हो गया गुरुमुखों के लिए, एक बार फिर रिपीट कर दूं, जिन्होंने गुरु से कहीं से भी नामदान लिया हुआ है उनके लिए जरूरी नहीं है 15 मिनट एक्स्ट्रा नाम जाप करके जगत कल्याण हेतु तो समर्पित करें तो आपकी बात स्वीकार है। राइट, एक बार फिर से बता दूं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। राइट, अन्य लाभ भी हैं बहुत सारे, इसके द्वारा 4 प्रकार की कुबुद्धियां दूर होती हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः का अपना अर्थ बताया हुआ है विस्तार से, खैर मैं इसके इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ये सारे सद्गुण आने के लिए पूरी पूरी गुंजाइश है, ये सद्गुण जो है श्रीमद् भागवत में दिए हुए हैं, सच्चरित्रता, परिश्रम प्रियता, उत्साह, साहस, प्रसन्नता, मधुरता, नम्रता, शिष्टाचार, नियमितता, संयमितता, यानी वो सारे गुण गिना दिए हैं जिसके एक इंसान को अपनी पर्सनैलिटी को सुधार करने में जरूरत है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी से संबंधित कोई भी बात मन में धारण कर सकते हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो, मैं अनुशासन में रह पाऊं, मैं अपने जीवन लक्ष्य को पा सकूं। मैं प्रार्थना करता हूं, माँ गायत्री से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि माँ गायत्री के अंदर समस्त 24 देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं, 24 मुख्य देवी देवताओं की, वो मैं अभी गिनवाता हूँ आपको, काउंट करवाता हूँ कैसे। तो एनीवे, चलिए अब हम शुरू करते हैं, अब हम प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। तो यहां से हमने थियोरिटिकल पार्ट कवर, आई एम शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये अब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहां से अब प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है, तो इसकी चैंटिंग हम शुरू करेंगे। पहले मैं आपको अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को मैं इनवाइट करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनकी कृपा से हम आगे की यात्रा तय करेंगे। उसके बाद समस्त देवी देवताओं को बुलाकर चैंटिंग, उसके बाद बुलाकर अपनी चैंटिंग शुरू करवाएंगे। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में जवाब दिए जाएंगे, अभी नहीं, अभी एक बार शुरू करते हैं। मन में ये संकल्प लेना कि कितनी माला आप करेंगे, पहले आप यहाँ से जो अट्यूनमेंट मिल रहा है उसको स्वीकार कर लें, उसको ले लें, उसके बाद आप मन में संकल्प करें कि कितनी माला आप करने की आपकी कैपेसिटी है। तो जितनी भी शुरू करें उतनी को फिर आगे कंटिन्यू करें। तो हमने जैसे कहा, अगर आपने एक किया है तो 1+1 जरूर कर देना, 3 किया तो भी +1 मिनिमम, +1 के बजाय आप +2 कर दो, 3 कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन एक माला एक्स्ट्रा जरूर करनी है जगत कल्याण हेतु।
अगर कोई अपनी ज्यादा कहना चाहे कि मैं 5 की 5 मेला जगत कल्याण हेतु डिवोट करना चाहता हूं, चाहती हूँ, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो बड़े प्यार से, ध्यान से, मन को शांत रखते हुए आइए शुरू करेंगे। मैं समस्त देवी देवताओं का प्रेम पूर्वक आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ताकि इस डिवाइन टास्क में सभी एंजल्स हमारे साथ आकर हमारी ब्लेसिंग हमें दे दे सकें। चलिए शुरू करेंगे। मन में प्रेम पूर्वक, नम्रता पूर्वक भाव लेकर आए जगत कल्याण हेतु। हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम जगत कल्याण हेतु और अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति हेतु ये साधना शुरू करने जा रहे हैं और अपनी इस समस्या का समाधान चाहते हैं। मन में समस्या को रिपीट कर दें, पॉइंट को रिपीट कर दें, हो सके तो लिख लें ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो, कि मेरी इस समस्या का समाधान हो जाए। मैं आने वाले 41 दिनों तक, 41 days तक ये साधना करूंगा, करूंगी, ऐसा मन में संकल्प लें, दोहराएं इस बात को। प्रॉपर तरीका तो होता है, हाथ में जल लेकर समर्पित किया जाता है, लेकिन आप मन में भावपूर्वक ऐसा कर सकते हैं। समर्पण करना चाहें तो बड़े प्यार से इस मन में, मनी मन में भावपूर्वक एक संकल्प ले लें कि मैं इससे अपनी इस समस्या का समाधान चाहता हूं, चाहती हूं। साथ ही साथ बल मिले, बुद्धि मिले, योग्यता आए, जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। ये तो हमने बेसिक मांगा, अब इसको मन में भाव रखा। आइए अब हम जो जो मैंने इसके लिए विशेष रूप से ये मेडिटेशन बनाया है, हम साथ साथ करते हैं। मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, इसको एक साथ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, इस पे फिर मेंबर ज्यादा हो गए हैं जूम पर, कृपया यूट्यूब पर मूव कर जाएं, यूट्यूब पर मूव कर जाएं सभी। ये वीडियो अभी आपको लाइव में भी मिल जाएगा जो मैं अभी करवाने चलाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम माँ गायत्री की साधना से सीधे सीधे कनेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं भी आपके साथ ही हूँ, तो हम एक साथ करेंगे इस पे। तो ये अब हम कनेक्ट हो रहे हैं। मैंने अभी आपके लिए प्रिपेयर किया है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। ये वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, इसकी चिंता गायत्री मत करें। हाँ जी, मंत्र उपासना के लिए महाचमत्कारी और शक्तिशाली माना गया है। गायत्री वो महाशक्ति हैं जो पूरी सृष्टि की रचना, स्थिति, पालन और संहार का कारण श्री नरसिंह। ये मैं आपको समस्त उन शक्तियों के बारे में बता रहा हूं जो गायत्री माता के अंदर निहित हैं। तो इन सभी के नाम एक बार बस मन में लेकर आएं और भावपूर्वक प्रार्थना करते जाएं, कनेक्ट करते जाएं। बाकी मैं आपको और आगे इसमें जो भी मेरी तरफ से मार्गदर्शन होगा, मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। सो लेट्स कनेक्ट। गायत्री साधना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। गायत्री माँ के ये जो 24 अक्षर हैं, ये 24 देव शक्तियों के प्रतीक हैं। इनमें श्री गणेश, श्री नरसिंह, श्री विष्णु जी, मनी मन स्मरण भगवान करते जाएं, शिव, भगवान कृष्ण, राधा, माँ लक्ष्मी, अग्नि, इंद्र, सरस्वती, माँ दुर्गा,
हनुमान जी, माँ पृथ्वी, सूर्यदेव, भगवान राम, माता सीता, चंद्रमा, यम, भगवान ब्रह्मदेव, वरुण देव, भगवान नारायण, हयग्रीव, हंस और तुलसी, ये 24 महाशक्तियाँ, इनकी शक्ति गायत्री की शक्ति में निहित है। गायत्री साधना शुरू करने से पहले एक बार फिर से गायत्री महामंत्र का अर्थ मन में ले आएं। ओम अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा, भूर मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाले, भुवः दुखों का नाश करने वाले, स्वः सुख प्रदान करने वाले, तत् वह सवितुर सूर्य की भांति उज्ज्वल, वरेण्यम सबसे उत्तम, भर्गो कर्मों का उद्धार करने वाले, देवस्य प्रभु धीमहि आत्मचिंतन के योग्य, धियो बुद्धि, यो जो नह हमारी प्रचोदयात, हमें शक्ति दें। अर्थात हे प्रभु, आप हमारे जीवन के दाता हैं, आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं। ये प्रार्थना बड़े प्यार पूर्वक दोहराएं, हे प्रभु आप हमारे दुखों का निवारण करने वाले हैं। बड़े प्यार से इस एक एक शब्द को अपने भीतर दोहराएं, कि जिस हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमारे जीवन के दाता हैं, आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं, आप हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं, हे संसार के विधाता हमें शक्ति दो कि हम आपकी ऊर्जा से शक्ति प्राप्त कर सकें, कृपा करके हमारी बुद्धि को सदमार्ग दिखाइए प्रभु, हमारी बुद्धि को सदमार्ग दिखाइए प्रभु, हमारी बुद्धि को सदमार्ग दिखाइए प्रभु, सदमार्ग दिखाइए प्रभु। एक बार याद करें अपने इष्ट को, अपने इष्ट को परमात्मा के जिस रूप को आप मानते हैं उन्हें याद करें और मनी मन भाव पूर्वक प्रार्थना करें, मनी मन भाव पूर्वक प्रार्थना करें, प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें। हे मेरे इष्ट देव, हे परमात्म स्वरूप, आज मैं ये महा यात्रा शुरू करने जा रहा हूं, अपने समस्त देवी देवताओं को, सभी 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 महाशक्तियों को मैं नमन करता हूं, कृपा करके मेरा साथ दें, मुझे ब्लेसिंग दें, इस महान कार्य में मुझे सफलता प्राप्त हो सके, ऐसी मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। समस्त देवी शक्तियां मेरा साथ दें, समस्त देवी शक्तियां मेरा साथ दें, समस्त देवी शक्तियां मेरा साथ दें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। आइए बड़े प्यार से कनेक्ट करेंगे डिवाइन पावर्स के साथ, प्रार्थना करें। आइए प्रभु, आइए, मैं समस्त देवी शक्तियों का आह्वान करता हूं यहां पर, मैं समस्त प्रार्थना करता हूं, मैं समस्त देवी शक्तियों का आह्वान करता हूं, कृपा करें, कृपा करें, यहां पर अपनी ब्लेसिंग दें। हम ये साधना समर्पित करने जा रहे हैं जगत कल्याण हेतु, समस्त एंजल्स को हम इनवाइट करते हैं, हमारे हम पर कृपा करें साथ दें, हम पर कृपा करें साथ दें, कृपा करें हम पर कृपा करके साथ दें, हम पर कृपा करके साथ दें। समस्त एंजल्स, समस्त देवी शक्तियों से मैं प्रार्थना करता हूँ, समस्त एंजल्स आएं, फील करिए, अपने दिल से फील करिए कि सारे एक वाइट लाइट के फॉर्म में आपके चारों तरफ ऊर्जा बरस रही है, ऊर्जा बरस रही है। आप इस मंत्र के साथ, गायत्री मंत्र के साथ पूरी तरह कनेक्ट हो रहे हैं, अपने हाथों को आप फील करें, एक डिवाइन एनर्जी आपके अंदर समाहित होती चली जा रही है, एक डिवाइन एनर्जी आपके भीतर समाहित होती चली जा रही है, कनेक्ट हो रहे हैं हम उस डिवाइन पावर के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं उस सुप्रीम पावर के साथ। भावपूर्वक कनेक्शन बनाएं, अपने मन के अंदर फील करें, मन के अंदर फील करें, बड़े प्यार से अनुभव करें,
कृपा करके अनुभव करें अपने भीतर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करें। प्रार्थना करते हैं हम प्रभु के चरणों में, समस्त देवी देवता आकर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान ब्रह्मदेव, श्री विष्णु जी और भगवान शिव त्रिदेव आकर हमें आशीर्वाद दें। भगवान ब्रह्मदेव कृपा करें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रेम पूर्वक भगवान ब्रह्मदेव की ऊर्जा को महसूस करें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भगवान ब्रह्मदेव आशीर्वाद दें हम जिस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये साधना कर रहे हैं, साधना कंप्लीट हो, बड़े प्यार से आपकी कृपा से संपन्न हो। आप ऐसी कृपा करना, बड़े प्यार से अनुभव करें। आप अपने हाथों में भी ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे, आप अपने पूरे शरीर में उनकी डिवाइन प्रेजेंस को फील कर पाएंगे। फील करें बड़े प्यार से। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं भगवान श्री विष्णु जी को भी इनवाइट करता हूँ। भगवान ब्रह्मदेव आकर सबको आशीर्वाद दें। भगवान ब्रह्मदेव सबको आशीर्वाद दें। भगवान श्री विष्णु जी सबको आशीर्वाद दें। श्री विष्णु जी सबको आशीर्वाद दें। भगवान श्री विष्णु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम बड़े प्यार से प्रार्थना करते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मैं भगवान श्री विष्णु जी का आह्वान करता हूँ। मैं भगवान शिव का आह्वान करता हूँ। मैं भगवान शिव का आह्वान करता हूँ। ओम पंचवक् वक्रताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव कृपा करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव कृपा करें। भगवान शिव कृपा करें। सब पर अपना आशीर्वाद बनाएं। हम सबको आशीर्वाद दें प्रभु, सबको आशीर्वाद दें। जिस महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम कर रहे हैं वो कार्य पूरा हो। इस संसार में आने का हमारा मकसद पूरा हो प्रभु, इस संसार में आने का हमारा मकसद पूरा हो। कृपा करें। मैं भगवान श्री कृष्ण जी से भी कनेक्ट करके उनसे प्रार्थना करता हूँ। उन्हीं श्री विष्णु जी का रूप है। ओम देवी की नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्। कृपा करें श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कृपा करें। जगत कल्याण हेतु हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। हमारे हृदय में आकर दर्शन दें प्रभु। श्री कृष्ण जी दर्शन दें प्रभु, दर्शन दें प्रभु। हम सब पर कृपा करें। हे भगवान कृष्ण आइए प्रभु, आइए प्रभु। हम एक बार राधा जी से भी प्रार्थना करते हैं, प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए, आपस की नफरत दूर करने के लिए आज उनकी कृपा की बहुत जरूरत है। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधा जी से प्रार्थना करते हैं, कृपा करें संसार का में द्वेष घृणा खत्म हो। आपने जिस प्रेम का महासंदेश संसार को दिया है वो महासंदेश सबको प्राप्त हो। कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें राधा मां, कृपा करें। आपकी अपार कृपा हम सब पर बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं समस्त देवी देवताओं से आकर अपने अपनी ब्लेसिंग दें सभी को। माँ पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से हमारे अंदर सहनशीलता लेकर आए। ओम पृथ्वी देव्ये विद्महे सहस्त्र मूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। फील करें कि आप पूरी पृथ्वी माता से कनेक्ट हो रहे हैं।
आप इस पृथ्वी के कल्याण हेतु ये प्रार्थना कर रहे हैं, समस्त जगत कल्याण हेतु पृथ्वी माता के से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सबकी ऊर्जा कनेक्ट हो सके, उस डिवाइन ब्लेसिंग आप हमें माँ पृथ्वी दें, हम कनेक्ट हो सकें, उस डिवाइन पावर से कनेक्ट हो सकें। अब हम प्रार्थना करते हैं भगवान सूर्य देव से, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये गायत्री मंत्र पूरा सफल नहीं होता। तो हम प्रार्थना करते हैं, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भगवान भास्कर, भगवान सूर्यदेव हमारा यश बढ़ाएं, बल बढ़ाएं, बुद्धि बढ़ाएं, सरकारी कार्यों में कोई रुकावट आ रही हो तो वो रुकावट दूर हो, कोर्ट कचहरी के कोई चक्कर गलती से चल रहे हो तो वो समाप्त हो, ऐसा हम सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं। जो लोग भी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बेहद जरूरी है। एक बार पुनः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। समस्त देवी देवताओं से हम कनेक्ट हो रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, सभी से प्रार्थना करते हैं कि कृपा हम पर सदा बनी रहे। इसी प्रकार आप हमें अपनी ब्लेसिंग दें ताकि हम एक बार, अब हम कनेक्ट करते हैं माँ सरस्वती से कनेक्ट करते हैं जो बुद्धि की दात्री हैं। माँ सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं, आप अपनी कृपा से माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, आप अपनी कृपा से हमारी बुद्धि में जागृति प्रदान करें। माता सब पर कृपा करें। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। माँ सरस्वती कृपा करें, हमें बुद्धि प्रदान करें, दूरदर्शिता प्रदान करें, हमारे मन में ये महासंकल्प आए कि हम जगत के कल्याण में भी सहयोगी बन सकें और हमारी बुद्धि में भी प्रखरता आए, जो हम पढ़ें हमें याद रहे, हमारी मेमोरी शार्प हो, हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़े। माता सरस्वती हम पर कृपा करें। हमने समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया। एक बार हनुमान जी के आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी हमें हर तरीके से रक्षा करते हैं। हनुमान जी के आगे ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात। ये सभी गायत्री मंत्र के अलग अलग वर्जन हैं, आपको पता होना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं सभी गायत्री मंत्र हैं ये, लेकिन मुख्य गायत्री मंत्र वही है। हम ये अलग अलग देवी देवताओं के गायत्री मंत्र हमने अभी उच्चारण किया, ये हनुमान गायत्री मंत्र है। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात। एक बार श्री गणेश जी के मंत्र को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। हम भगवान गणेश जी के मंत्र को स्मरण करके उन्हें याद करते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात। श्री गणेश जी हमारे हर कामों में जो रुकावट हो किसी भी तरह की, वो रुकावट दूर करें, बुद्धि का लाभ हो और कामयाबी मिले, ऐसी हम श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। आइए अब हम अपने कार्य में, अब गायत्री की महामंत्र की चैंटिंग हम शुरू करेंगे। हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है, आपको इतना विस्तार से, जब आप घर पे करेंगे तो आपको इतना विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमने सबके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम अपने लिए उच्चारण करते हैं। चलिए अब हम अपने अपने लेवल पर आते हैं, अपने लिए उच्चारण करते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं। हो उनका स्मरण करें, अपना जो संकल्प है अब वो दोहराएंगे। अपने मन में संकल्प दोहराइए कि मैं कितनी माला कर सकता हूं, उतनी माला का संकल्प दोहराएं कि मैं इतनी माला करूंगा अगले 40-41 दिन तक, 41 डेज तक मैं करूंगा। अपने मन में संकल्प दोहराएं, सभी लोग मन में संकल्प दोहराएं। हमारे YouTube वाले मित्र भी बड़े प्यार से संकल्प दोहराएं, बड़े प्यार से संकल्प दोहराएं, मनी मन में संकल्प दोहराएं कि हाँ मैं इतनी माला कर सकूंगा, मुझे शक्ति प्रदान करें। इसके लिए भी उन्हीं से ताकत मांगिए कि मुझे ताकत दें, हे माँ मैं इतनी माला कर पाऊं, मुझ पर कृपा करें, समस्त देवी देवता कृपा करें और मुझे ब्लेसिंग दें ताकि मैं इतनी माला कर सकूं और इतने दिन तक
निर्विघ्न मेरा ये कार्य संपन्न हो। हमने गणपति जी को इसलिए प्रार्थना करी कि हमारा ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम जगत कल्याण की प्रार्थना मन में डाल रहे हैं। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं। अब भगवान गणपति जी का आह्वान करें ताकि आपकी ये साधना निर्विघ्न संपन्न हो। भगवान गणपति जी कृपा करें, आए प्रभु, आइए प्रभु। अभी हमने बुलाया तो एक बार वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति जी आपकी कृपा से मेरी साधना निर्विघ्न संपन्न हो, कृपा करें प्रभु, कृपा करें। अब भगवान सूर्यदेव का आह्वान करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की चैंटिंग के द्वारा ओम भूर्भुवस्वः। अब मंत्र की चैंटिंग करें। सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए माँ गायत्री, हे जगत माता, हे शक्ति स्वरूपा, हे करुणामयी, मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरी साधना स्वीकार करें माँ, स्वीकार करें माँ। अब महावीर हनुमान जी का स्मरण करें ताकि हर तरह की नकारात्मकता से आपकी रक्षा कर सकें। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। हे राम भक्त हनुमान जी, हर तरह से मेरी साधना के दौरान मेरी रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु। आइए अब साधना शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएं, कमर बिल्कुल सीधी रहे। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। अगर आपके सामने दिया जलाकर रख सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो मानसिक रूप से भाव करें कि आपके सामने दिया जल रहा है। जला सकें तो इस वक्त जला लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है, बहुत फायदा होगा, उत्तम रहेगा। घर की नेगेटिविटी भी इस दिए से समाप्त होगी। और जो बात मैंने इसमें नहीं कही है मैं वो भी इसमें बता देता हूँ, पानी का गिलास भी भरकर साथ में रख लें। ये पानी का गिलास बाद में बड़ा काम आएगा, इसमें मंत्र की शक्ति समाहित हो जाएगी। बाद में इस पानी को पीने से ये मंत्र की शक्ति आपके घर पे छिड़काव भी कर सकते हैं नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए, और अपने अंदर भी बीमारियां नाश करने में, और अन्य लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़े, घर के बाकी सदस्यों को भी इसका फल मिले। तो वो जो पानी है, जो जल अभी हम अभिमंत्रित करेंगे जाप के द्वारा, वो पानी आप अन्य लोगों के लिए भी आप उनके उन्हें दे सकते हैं। तो सबके भलाई के लिए ये आपको बताया जा रहा है। आइए कर सकते हैं, एक मिनट का समय ले लें, प्लीज करें। तब तक जो भी, अगर एक जल पानी का गिलास भरकर ढककर रख लें, पानी का गिलास भरकर ढककर रख लें, अगर पीतल का लोटा हो तो बहुत उत्तम, नहीं तो कोई बात नहीं, पानी का गिलास भी चलेगा, नॉर्मल भी चलेगा। अगर माला का इंतजाम हो सकता है, माला है अवेलेबल तो माला ले लें, नहीं हो सकता तो मैं साथ जितने से करवा रहा हूं उसके साथ आप कर सकते हैं। माला के इंतजाम कर सकते हैं तो कर ले, दिया जला सकते हैं तो जला ले, एक मिनट का समय है, कर ले जरा, जो भी कर सकते हैं कर ले। इसके बाद हम लगातार बैठने वाले हैं, तो किसी तरह की कोई और फॉर्मेलिटी, कुछ अटकाव हो बीच में ना उठें, ये मेरी प्रार्थना है सभी से, बीच में बाद में नहीं उठेंगे। तो इसलिए अभी अगर कुछ भी करना है तो कर लें, सभी लोग प्लीज कर लें। यस, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं, वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप जैसे बैठते हैं वैसे ठीक है। चलिए शुरू करने जा रहे हैं। एक बार प्लीज एक मिनट के समय ले लें, जो कुछ भी करना है करेक्ट कर दें। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दें, कनेक्ट हो जाएं।
कनेक्ट हो जाएं। एक प्रार्थना ही है सभी से, बाकी आपकी मर्जी है। जो लोग रेगुलर अपडेट करने पाना चाहते हैं वो ट्वीट वो हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाएं, आपको पूरा इसका अपडेट रहेगा। मैंने ऑलरेडी कल भी मैंने इसका लिंक भेजा था, एक बार पुनः आपसे अगर किसी को भी मिस हो गया है तो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ। कोई भी जो कनेक्ट नहीं हुए टेलीग्राम से तो वो टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम बस सिर्फ वेट कर रहे हैं, आप लोग तैयार हो जाएं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो लोग हैं तैयार हो जाएं। जो लोग नहीं कनेक्टेड हैं वो टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा जिनको ये सारी साधना अभी इंग्लिश में भी अवेलेबल होगी, इंग्लिश के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम फॉरेनर्स को भी कनेक्ट करने वाले हैं, तो इसलिए ये हमारा इंग्लिश चैनल है। अगर किसी कोई जो लोग समझ सकते हैं वो प्लीज कनेक्ट हो जाएं। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं। प्रियांक शर्मा जी पूछ रहे हैं, अगर हम संकल्प 7 माला का लें तो सारे करने पड़ेंगे? नहीं, आप सारे आप उसे पाठ में कर सकते हैं। यस, आप उसे पाठ में कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया है। बिल्कुल गर्ल्स 41 डेज तक कर सकती हैं, निश्चिंत रहिए इस बारे में, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं रुका हूं, रुका हूं, चिंता मत करें। जो हमारे इंग्लिश चैनल से जुड़ सकते हैं कृपया करके जुड़ जाएं। ये मैंने लिंक दे दिया है, यूट्यूब हमारे ये मित्र जो हैं सभी इस इंग्लिश चैनल से जरूर जुड़ जाएं। और ये गुरुकुल वाला चैनल प्लीज कनेक्ट हो जाएं, आपके बहुत काम आने वाला है। अभी ये सारी साधना बच्चों को भी करवाने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन गुरुकुल चैनल पर ये सारे मंत्र जो हैं, विशेष रूप से सभी मंत्रों का उच्चारण हमारे आचार्य यहाँ पर करवाएंगे। हमने आचार्य उनको जोड़ा है अपने साथ, तो वो यहाँ पर प्रॉपर करवाया जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, हमने सभी देवी देवताओं की अभी प्रार्थना करी है, कनेक्ट किया है, ये गुरुकुल चैनल है, कनेक्ट हो जाएं। नहा के करना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जब आप इतनी अर्ली मॉर्निंग बैठेंगे ऐसा ना हो कि आप बीमार हो, कोई इतनी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर कभी नहाया जा सके मतलब उसी समय तो उत्तम है। मैं वेट कर रहा हूं, चिंता मत करें, वेट मत। देखो अगर किसी को लगता है कि वो 41 डेज तक नहीं कर सकते तो आप छोटा संकल्प ले सकते हैं, लेकिन तोड़ें ये अच्छा नहीं है। अगर तोड़ें तो ये अच्छा नहीं है, इससे बेटर है कि आप छोटा संकल्प ले लें, आप 11 दिन का संकल्प ले लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि 41 दिन आपके लिए संभव नहीं है तो छोटा संकल्प ले लें, बाद में आप उसे बढ़ा सकते हैं, उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। माला कोई भी ले लीजिए, माला कोई विशेष बात नहीं है, इतनी चिंता मत करें। जो भी माला लें कोई विशेष बात इसमें नहीं है, आप बिना माला के उंगलियों से भी कर सकते हैं। आप अपना टाइम लीजिए, जहां पर भी आप हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया से जो भी मित्र हैं वरुण जी, आप अपना टाइम के हिसाब से, वहां का जो टाइम है ना, वहां का समय लीजिए। उसका इंडिया से कनेक्शन नहीं है, आपके लोकल टाइम की बात हो रही है, लोकल टाइम। नॉन वेज तो छोड़ ही दीजिएगा, इतनी तो कृपा कर ही दीजिए, प्लीज नॉन वेज छोड़ दीजिए, इसमें कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि तो इतना बड़ा काम करना है। यस, इट विल इंप्रूव योर हेल्थ डेफिनेटली। यस, आप 3 बजे से भी घी, धूप और पानी का गिलास रख सकते हैं, 3 बजे से ही आप रख सकते हैं, राइट। अभी आप इंतजाम कर ले सारे, नॉन वेज तो प्लीज छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैंने पहले से बोल दिया है लेडीज के लिए, उन डिफिकल्ट डेज में आपको नहीं छोड़ना, आपको साधना कंटिन्यू करनी है, बिल्कुल कंटिन्यू करनी है, चिंता मत करें इस बारे में। माँ गायत्री खुद भी एक फेमिनिन एनर्जी है, इसलिए चिंता मत करें। 3 माला अगर आप पूरे 21 दिन नहीं कर सकते तो केवल 11 दिन का संकल्प ले लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो जितना भी करें तरीके से निभाएं, बजाय इसके क्या बीच में बार बार गड़बड़ करें। हाँ, कहीं पे भी कर सकते हैं, ट्रेवल के दौरान भी कर सकते हैं, चिंता मत करें। नहीं, अगर पहले से दिया जल रहा है तो और जलाने की जरूरत नहीं है, बस अब शुरू कर दें, ज्यादा समय ना लगाएं और क्वेश्चन के आंसर, चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए।
हम इसके दौरान अपने समस्त चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। याद रखना, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका होने वाला है, जो पहले मैं मतलब नहीं करवाया उस तरीके से ये करवा रहा हूँ। आइए हम इसको आगे शुरू करते हैं। तो हम साधना अब करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो अभी अवेलेबल रहेगा आपके लिए, अभी अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो के साथ आप कनेक्ट कर दें। जो वीडियो मैं आपको चला रहा हूँ, एक बार मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, उसके बाद ये वीडियो लाइव भी यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये वीडियो भी जो मैं भी डाल रहा हूँ ये अवेलेबल हो जाएगा। तो आप बाद में भी इसको डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहें। चलिए अब हम कनेक्ट करते हैं, सीधे बैठ जाएं, सभी रेडी हैं, दिया जला लें, जो जला सकते हैं, जिन्होंने दिया जला लिया ठीक है, हाथ में जल का पात्र साथ में रख लें, अपने इष्ट गुरु को स्मरण करें, याद करें, क्योंकि आप अभी ब्रेक लिया है आपने, तो वापस आकर अपने उसी स्थान पर आकर बैठ जाएं, स्मरण करें। अब शुरू करते हैं, बहुत फॉर्मेलिटी में तो नहीं पढ़ना, लेकिन दिया नेगेटिविटी को भगाने में बहुत सहयोगी है और जल का पात्र बड़ा उपयोगी है। हाथ में माला ले लें, माला को एक बार हाथ में पकड़ लें, जो माला से करना चाहते हैं। मैं माला से नहीं करने वाला, इसलिए मैं माला नहीं कर रहा, लेकिन आपको दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं एक बार, आप 3 बार माला जैसे मैंने पकड़ी है सिर्फ दिखाने के लिए आपके, तो यहां पर आप माला को हाथ में लेकर 3 बार गायत्री मंत्र की चैंटिंग करते हुए इसके अंदर, इसमें इस मंत्र की शक्ति से इसे चार्ज कर लें एक तरीके से, इसकी नेगेटिविटी है तो उसे हटा लें। पहले इसके अंदर सिंपली अपने हाथ को ना ऐसे करके नेगेटिविटी को हम थोड़ा सा हटा देते हैं, इसके अंदर से नेगेटिविटी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए नेगेटिविटी को ऐसे हटा देते हैं। अब हम इस पे चैंटिंग करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये माला, ये हमने इसको चार्ज एक तरीके से किया है, इसकी कोई भी, इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रही होगी, तो क्लीन हो गया। अब हम इसके से चैंटिंग शुरू करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे, अगर माला कर रहे हैं तो, जो नहीं कर रहे कोई बात नहीं, माला कर रहे हैं तो आप इसको याद रखेंगे कि माला में हमेशा जो ये ऊपर का मणका होता है, जो ये ऊपर का एक एक्स्ट्रा मणका जो होता है ना, उसको कभी भी उसको क्रॉस नहीं किया जाता। तो माला हमेशा अगर करें तो आप मणके से अगले मणके से शुरू करें, अगर ये मणका है, ये मणका है, उससे अगले मणके से आप शुरू करें, जो अलग मणका है ना उसको अलग कर लें बिल्कुल, उस पर हम नहीं लगाते। और हमेशा करते हुए इस उंगली का यूज नहीं किया जाता, इंडेक्स फिंगर का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, इस फिंगर का यूज नहीं किया जाता। तो हमेशा अपनी जो मिडिल फिंगर है उसके ऊपर ही इसको रखा जाता है, ऐसे उसको इस यहां से यूज किया जाता है, तो इस फिंगर को हमेशा अलग रखा जाता है। तो इस तरीके से चैंटिंग की जाती है, अगर आपने माला यूज करनी है तो, नहीं करनी तो उंगलियों के ऊपर सिंपली भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप कैंटिंग करते जाइए, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो 12 होती हैं जैसे, ये जो हमारी 12 ये पोर हैं उंगलियों के, तो 12 गुना 9 गुना 9 बार करना होता है इनके ऊपर। तो ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे करते 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 आप यहाँ पर आए और फिर यहाँ से वापस शुरू कर दें, तो 9 बार करना होता है, तो मन में काउंटिंग रखनी होती है, तो इसमें मिस्टेक ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। माला से कर सकते हैं तो ईजी है, लेकिन ध्यान कहाँ लगाना है वो बेहद जरूरी है। ये एक पार्ट है, जो एक टाइप की फॉर्मेलिटी है, लेकिन जरूरी है, तो इसलिए ये बता दिया आपको। अब हम शुरू करते हैं, चलिए इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माला कोई भी चल सकती है, ज्यादा क्वेश्चन मार्क ना लगाएं इसके ऊपर, राइट, किसी भी टाइम कर सकते हैं। शाम को, अभी मैं बता चुका हूं सारी बात, शाम को सूर्यास्त से पहले पहले, सूर्यास्त के बाद नहीं करना, सूर्यास्त के बाद नहीं करना, बस इस बात का ख्याल रखें। 11 दिन में संकल्प लेती हैं, 1+1, आप जो भी लेना है ले लो, बार बार रिपीट मत करो मेरे सामने। चलिए शुरू करते हैं, आइए। तो इसके दौरान हम अपने अपने अलग अलग चक्रों को एक्टिवेट करने वाले हैं, बड़ी पावरफुल है ये चीज, और ये अभी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं, आंखें बंद करके कमर सीधी रखकर, कमर सीधी रखकर बैठ जाएं, माँ गायत्री को अपने हर चक्र पर इनवाइट करेंगे और चैंटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मूलाधार पर, मूलाधार पर ध्यान लगाएं। ओम गायत्री मूलधाराय ओम। ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी के
सबसे निचले हिस्से पर लगाएं है मूलाधार चक्र है। इस पर लाल रंग के बल्ब की कल्पना करते हुए अब गायत्री मंत्र की चैंटिंग करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर ले आएं, जेनिटल्स के पीछे और मनि मन दोहराएं। ओम गायत्री स्वाधिष्ठानाय ओम। ऑरेंज कलर के बल्ब की वहां पर कल्पना करें और मंत्र चैंटिंग करें। ऑरेंज कलर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लेकर आए, नाभि से 2 इंच ऊपर एक पीले रंग के बल्ब की कल्पना करें और मंत्र दोहराएं। ओम गायत्री मणिपुराय ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपना ध्यान हृदय चक्र अनाहत पर ले आएं और वहां पर एक हरे रंग के बल्ब की कल्पना करें। चेस्ट के सेंटर में यह मंत्र दोहराएं। ओम गायत्री अनाहताय ओ।
ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपना ध्यान थ्रोट चक्र पर ले आए, विशुद्धि पर। गर्दन के मध्य में लाइट ब्लू आसमानी नीले रंग की कल्पना करें और ये मंत्र दोहराएं। ओम गायत्री विशुद्धियाय ओम। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के मध्य में आज्ञा चक्र पर ले आए और इस मंत्र की चैंटिंग करें। ओम गायत्री आग्नाय ओम। इंडिगो कलर गहरे नीले रंग की कल्पना करते हुए मंत्र दोहराएं। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपना ध्यान सिर की चोटी पर ले आए और वहां पर एक 1000 पंखुड़ी वाला कमल है, वहां ध्यान लाकर वायलेट बैंगनी कलर की कल्पना करते हुए मंत्र दोहराएं।
ध्यान को थोड़ा ऊपर की ओर उठा लें, आंखें थोड़ी ऊपर की ओर उठा लें। अगर आप शांभवी मुद्रा लगा सकते हैं तो आंखों को थोड़ा ऊपर की ओर ऐसे उठाकर कर सकते हैं। अगर किसी को नींद आने की समस्या हो तो छुटकारा हो जाएगा उससे। शुरू करते हैं। ओम गायत्री सहस्राराय ओम ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आपके शरीर में अगर कोई किसी तरह की पीड़ा हो तो ध्यान उस पर ले जाकर चैंटिंग करेंगे। कोई पीड़ा नहीं है तो ये अनुभव करें कि गायत्री मंत्र ऊपर से बरस रहा है, वाइट गोल्डन कलर माँ की कृपा से बरस रहा है। अब ये मंत्र दोहराएं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरा शरीर आनंद से भर गया है। यहाँ पर माला की चैंटिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको और माला करनी है तो आप इसी ऑडियो को दोहरा सकते हैं अथवा नॉर्मल तरीके से 108 चैंटिंग कर सकते हैं। अगर यह आखिरी माला है तो अब समस्त देवी देवताओं को प्रेम पूर्वक धन्यवाद देते हुए विदा करें। बाद में करेंगे, अभी के लिए मैं आपको अच्छे से बता दूं, ये माला हमारी कंप्लीट होके इस माला को हम जगत कल्याण हेतु समर्पित करते हैं। जो पहली माला है मन में भाव करते हैं, हे मेरे इष्ट देव, हे परम पिता, मैं इस माला को जो मैंने अभी जाप किया जगत कल्याण हेतु समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, इसके द्वारा ऐसी कृपा हो कि समस्त संसार सुखी हो, अंदर से सबके दुखों का नाश हो। आइए एक बार ये शांति मंत्र दोहरा देता हूँ ताकि सभी के लिए ये चीज सुविधाजनक हो जाए। आइए एक बार ये दोहरा देता हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए, उसके बाद आप अपनी मर्जी से जब मर्जी चाहें इसे कर सकते हैं। तो ये मंत्र सामने आप देख पा रहे हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर भवतु, सर्वेषां शांतिर भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सब तरह के कष्टों से मुक्त रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये एक माला
जो मैंने विश्व कल्याण हेतु समर्पित की है, इसके द्वारा ये कोरोना महामारी स्प्रेड होने से रुक जाए। ये जितनी भी कंट्रोल में आ सकती है, मैं समस्त एंजल से, देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और जगत कल्याण में उपयोगी हो, सभी आत्माओं का यहाँ पर कल्याण हो सके, ऐसी मेरी दिल से शुभ दुआ है। हे प्रभु दया करें, मेरे इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। प्रभु इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें, स्वीकार करें। जगत कल्याण में पहली बार समर्पित किए, अब इसी फ्लो में आप बाकी के चैंटिंग करेंगे। 14 बार चैंटिंग करता हूँ मैं हर एक चक्र पर। आपको अभी जो हमने किया, आपको अगर आप खुद से करना चाहें, ये ऑडियो भी आपको मिल जाएगा, खुद से करना चाहें तो 14 टाइम्स पर चक्र, तो 14 टाइम रूट चक्र पर, 14 टाइम सैक्रल मणिपुर हृदय थ्रॉट और थर्ड आई और क्राउन, तो 14 × 7 = 98 टाइम्स तो यहाँ हो जाता है, प्लस उसके बाद 10 टाइम्स और एक्स्ट्रा जो बाद में बचता है, तो उसमें 110 बार और कर लिया जाता है, तो टोटल मिलाकर 108 पूरा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? तो इसी तरीके से आप अकेले अलग कर सकते हैं, पूरी के पूरी 108 की 108 चैंटिंग आप एक चक्कर पर भी कर सकते हैं चाहे तो, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ऐसी ही है कि ऐसे किया जाए जैसा मुझे उन्होंने बताया, तो मैंने वैसा आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन ध्यान को सिर्फ और सिर्फ यहाँ लगाकर मत कीजिए, ये तो बहुत बहुत ज्यादा सर दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, वो तो बाद में करना, पहले नीचे के चक्रों को क्लियर करके ऊपर बढ़ना है, ऐसा निर्देश मिला था, तो मैंने आपको वो चीज बता दी है, आप इसकी चैंटिंग दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अब हम अपने हिसाब से चलते हैं ध्यान को, जैसे मैंने बताया नीचे के चक्रों से शुरू करते हुए, तो वहां से एक बार रिपीट करेंगे, मैं एक बार पुनः आपके सामने वो बता देता हूँ ताकि एक माला कोर्स ढंग से कर सकें, तो पूरा रिपीट हो जाए, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, उसके बाद आप अपनी मर्जी से फिर इसको कंटिन्यू करते रहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये मैं एक बार दोबारा से वो करवा रहा हूँ, आखिरी जो रिपीट वाला जो पार्ट है वो मैं रिपीट करवा रहा हूँ। आइए एक बार मैं इस पूरे सेशन को इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरी चैंटिंग को उसी ऑडियो के माध्यम से, आप उनका ध्यान इसे पता लगाते जाएं, 14 टाइम ऑन एवरी चक्रा, एंड देन लास्ट के जो 10 बचे वो आकाश से अपने ऊपर आता हुआ बरसावा फील करें, या अगर बॉडी में कहीं पर कोई रोग है, कोई डिजीज है, तो उस पर ध्यान लगाते हुए बाकी की चैंटिंग करें। इज दैट क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे, सबसे पहले मूलाधार पर, ओम गायत्री मूलधाराय ओम। ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर लगाएं, मूलाधार चक्र है, इस पर लाल रंग के बल्ब की कल्पना करते हुए अब गायत्री मंत्र की चैंटिंग करें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर ले आए, जेनिटल्स के पीछे, और मणि मंदोराए। ओम गायत्री स्वाधिष्ठानाय ओम। ऑरेंज कलर के बल्ब की वहां पर कल्पना करें और मंत्र चेंटिंग करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लेकर आए, नाभि से 2 इंच ऊपर एक पीले रंग के बल्ब की कल्पना करें और मंत्र दोहराएं। ओम गायत्री मणिपुराय ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपना ध्यान हृदय चक्र अनाहत पर ले आए और वहां पर एक हरे रंग के बल्ब की कल्पना करें। चेस्ट के सेंटर में यह मंत्र दोहराएं। ओम गायत्री अनाहताय ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
दियो यो ना प्रचोदयात। अब अपना ध्यान थ्रोट चक्र पर ले आए, विशुद्धि पर, गर्दन के मध्य में लाइट ब्लू आसमानी नीले रंग की कल्पना करें और ये मंत्र दोहराएं, ओम गायत्री विशुद्धियाय ओम। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के मध्य में आज्ञा चक्र पर ले आए और इस मंत्र की चैंटिंग करें, ओम गायत्री आग्नाय ओम। इंडिगो कलर गहरे नीले रंग की कल्पना करते हुए मंत्र दोहराएं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपना ध्यान सिर की चोटी पर ले आए और वहां पर एक 1000 पंखुड़ी वाला कमल है, वहां ध्यान लाकर वायलेट बैंगनी कलर की कल्पना करते हुए मंत्र दोहराएं, ओम गायत्री सहस्राराय ओम। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। अब आपके शरीर में अगर कोई किसी तरह की पीड़ा हो तो ध्यान उस पर ले जाकर चैंटिंग करेंगे। कोई पीड़ा नहीं है तो ये अनुभव करें कि गायत्री मंत्र ऊपर से बरस रहा है, वाइट गोल्डन कलर माँ की कृपा से बरस रहा है। अब ये मंत्र दोहराएं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरा शरीर आनंद से भर गया है। यहाँ पर ये साधना समाप्त होती है। मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन अब आपका कोई डाउट ना रहे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। इज इट क्लियर? मैं एक बार जस्ट सभी से ओपिनियन ले रहा हूँ, इज इट क्लियर? कोई इश्यू नहीं है? कोई डाउट हो तो फिर बाद में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा साधना का समय है। 6 बजे तक आप जितनी माला करना चाहें कर लें। अगर किसी कारण से आज के लिए, मतलब अगर कोई भी कारण से 5-7 मिनट डिले होता है तो भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, केवल आज के लिए है। अदरवाइज 6 बजे से पहले पहले समाप्त कर दिया करें आगे से जो भी करना हो, राइट। बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मैं पहले दे चुका हूँ, और मैं एक एक बात को रिपीट नहीं करूंगा। इस वीडियो को यूट्यूब पर अवेलेबल है, लिंक यहाँ दिया हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हैं बाद में सारे डाउट क्लियर करके ही। अगर आज का दिन काउंट नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, अगर आज आप पूरी साधना ना भी कर पाए, किसी को जल्दी हो, कल से शुरू कर लें। आपकी अटेनमेंट हो चुकी है, आप कनेक्ट हो चुके हो डिवाइन पावर के साथ, उनकी माँ गायत्री की, तो आप कल से भी शुरू कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आज से ही कर दिया, एक दिन बाद का हमने इसलिए बफर रखा है। वैसे 40 डेज होता है, हमने 41 डेज एक दिन का बफर रखा है, तो आप कल से भी कर सकते हैं। बाद में भी कोई इस वीडियो को देखे, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, बाद में भी कोई इस वीडियो को देखे तो जब भी देखे, अब से 2 या 3 दिन बाद भी अगर आपको सूट करता है तो आप कर सकते हैं, तब भी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें जो भी अट्यूनमेंट का पॉइंट थे वो हमने सब कवर कर दिए हैं, सारे क्वेश्चंस के लगभग आंसर दे दिए हैं। तो इस सत्र को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कोई भी डाउट हो तो नीचे पूछ लीजिए, और जो मैंने लिंक डाला था अपने ग्रुप का, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे तो मैं वैसे भी आपके क्वेश्चन के आंसर बाद में देता रहूँगा। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम इसलिए क्योंकि इसमें आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, आपका नंबर सबके पास नहीं जाता, आप जब चाहें अपने नंबर को डिसेबल कर सकते हैं, ये एक बेस्ट पार्ट रहता है, जबकि ऐसा व्हाट्सएप में नहीं होता। इसलिए थोड़ी सी इस सारी बातों को सोचते हुए हमने टेलीग्राम को भी बनाया है, और टेलीग्राम में लिमिट नहीं है कि आप कितने लोगों को ऐड कर सकें, तो आप बहुत सारे लोग इसमें ऐड हो सकते हैं, लाखों की कैपेसिटी होती है, राइट। तो जिनको जितना भी हो, थैंक यू वेरी मच। आप मानसिक कर सकते हैं, बोलकर करना जरूरी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, मानसिक जाप कर सकते हैं, बस इस बात का मैं जवाब दे दिया है, मानसिक जाप कर सकते हैं, बोलकर करना जरूरी नहीं है। अगर बोल सके अच्छा है, बुरा नहीं है, उत्तम है, लेकिन मानसिक करना हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब बाकी सारे सवालों के जवाब इसमें हो गए हैं, सारा हो गया, जैसे कर दिया बस पारक हो गया। पूरे दिन में पार्ट्स में अलग कर सकते हैं, अलग अलग बार माला कर सकते हैं, यस ये कर सकते हैं। आप एक बारी जब भी बैठें, एक बारी में एक माला
तीन वाला जितना भी आपके पास समय कर सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं. यस यू कैन डिवाइड इन पार्ट्स, यू कैन डिवाइड, मतलब अगर आपने पांच माला का संकल्प लिया है तो आप तीन माला एक समय में, दो माला एक समय में, ऐसा कर सकते हैं. तीन बार में भी डिवाइड कर सकते हैं. सात माला का लिए है तो तीन, दो और दो अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं. लेकिन जब जब आप बैठें तब तब आपको दोबारा से गायत्री मंत्रों को और बाकी सभी देवी देवताओं को जैसे हमने बुलाया था वो बुलाकर बैठना है, तो बहुत तो ज्यादा शक्ति पावर मिलती है. बस इतना ख्याल रखिए. जवाब दे दिया मैंने इस क्वेश्चन का. हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? चलिए, थैंक यू वेरी मच. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं उम्मीद करता हूँ टेलीग्राम का चैनल मिशन जीनियस माइंड के नाम से है. ये खाली गायत्री साधना का चैनल अलग है. ये मैंने जो अभी लिंक भेजा है ये यूट्यूब की विंडो में भी डाल दिया है और व्हाट्सएप के जो जूम वाले मित्र बैठे हैं इनके यहाँ पे डाल दिया है. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी. वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, जो लोग कनेक्टेड हैं वीडियो को लाइक कर दें, कनेक्ट रहें. थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल कर सकते हैं, 3 AM से कर सकते हैं. ये मैं जवाब दे चुका हूँ, बार बार एक ही बात मत पूछा करें. अब इससे ज्यादा नहीं बताया जाएगा, बस अब इतना बता दिया गया है, इसके बाद सारा नहीं है. अरे भाई, एक ही बात को फिर पूछ रहे हैं छठी बार. अभी मैं नहीं जवाब दूंगा, सॉरी. अब आप मेरे पीछे वीडियो को जाकर देखें तो जवाब मिल जाएगा आपको. अभी नई सवालों का जवाब दिया जा सकता है. थैंक यू वेरी मच. अब आप कंटिन्यू करें, जिनको बैठना है अपनी माला आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं. चलिए, ये जो वीडियो मैंने अभी शेयर किया था ये वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, जो मैंने अभी चलाया था. ये वीडियो भी यूट्यूब पर लाइव होने जा रहा है थोड़ी देर में, तो प्लीज इससे कनेक्ट हो जाना. जो लोग अभी मैंने बोला है तो कनेक्ट हो जाना ताकि इससे इजी आपको ये वो मिल जाए. ये जो वीडियो अभी अभी चलाया था ना, ये अभी हम लॉन्च कर देंगे तो ये आपको अभी मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा. अभी इसको हम यहाँ पर समाप्त कर देते हैं. थैंक यू वेरी मच. ये आप वीडियो से कनेक्ट हो सकते हैं. लिंक आपने हमारे चैनल को तो कनेक्ट सब्सक्राइब कर भी लिया होगा. मैं ऐसा, ये पानी आप पी सकते हैं, ये पानी आप अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, ये पानी आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी, घर के अन्य मेंबर्स को भी पिला सकते हैं. ये पानी बहुत उपयोगी है, ये पानी बहुत उपयोगी है. ये चार्ज है, इसका चार्ज का आप इसका उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, अब आप अपने गुरुमुखों को 15 मिनट एक्स्ट्रा मेडिटेशन करना है. बाकी आप जो करते रहे वो करते रहे, 15 मिनट एक्स्ट्रा मेडिटेशन करना है. गायत्री मंत्र आपको करने की आवश्यकता नहीं है. चलिए, अभी के लिए धन्यवाद. प्याज लहसुन मत खाइए बाबा, मर नहीं जाएंगे प्याज लहसुन के बिना. फिर भी मना नहीं है, नॉन वेज तो बिल्कुल अवॉइड है. प्याज लहसुन कोई ऐसी मारामारी नहीं है कि बहुत अवॉइड करना है, क्योंकि वैसे पवित्र साधना है. अगर कर सकते हैं अच्छा रहेगा, नहीं कर सकते कोई बात नहीं. गुरुमुखों के लिए ये नियम अप्लाइड नहीं है. अब एक ही बात को रिपीट ना करें बार 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 बार. टेलीग्राम के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है. व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप हैं, मतलब कम से कम 60-70 ग्रुप हैं. आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या डालना है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साधना के लिए ग्रुप बनाया. टेलीग्राम पर छोटी सी ऐप होती है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है, इसलिए टेलीग्राम प्रेफर कर रहा हूँ. आप अपना नंबर शेयर ना भी करें तो चलता है, बस अब हो गया. चलिए, अब मैं सत्र को यही समाप्त करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये सत्र अच्छा लगा होगा. वीडियो को, हमारे बाकी चैनल को अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है तो प्लीज कनेक्ट हो जाएं. अब रुक जाइए, एक ही सवाल का जवाब 25 बार में नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग पहली बार सुनते नहीं हो, बाद में इसी बात को बार बार पूछते हो, घुमा कर जवाब नहीं दिया जाएगा. अब इतनी उम्मीद मत करें. ये हमारा दूसरा चैनल है, प्लीज इससे कनेक्ट हो जाए. थैंक यू वेरी मच. गुरुकुल में वाटर पी लीजिए, पानी पी लीजिए. कानी बातें पूछ कर ना समय खराब ना करें. मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है, ऐसा वैसा ऐसा ऐसा कुछ नहीं है. घर में किसी की डेथ हुई है तो आप अपने घर वालों से पूछ कर करें. मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है. आप एक दो दिन बात कर लेना, दस दिन बात कर लेना, आपकी मर्जी. अभी के लिए तो थैंक यू वेरी मच. बाकी के सवाल आपके यूट्यूब के जो वीडियो है उसके नीचे डाल देना, इसके जवाब दे दिए जाएंगे. अभी के लिए बस ये.
थैंक यू वेरी मच सभी को।